नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme P1 5G versus Realme 12 Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो P1 5G में 188 ग्राम जबकि 12 प्लस 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों फोन में सेम ही 87.36% है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो P1 5G में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और 12 प्लस 5G की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो P1 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 12 प्लस 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G68MC4 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Dimensity 7050 मिलता है। बात करें RAM की तो P1 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि 12 प्लस 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है। और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो P1 5G में अप टू 1TB जबकि 12 प्लस 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो P1 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 18,989 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12 प्लस 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,390 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
Realme P1 5G में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Realme 12 Plus 5G की तो उसमें 3 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G04 4G है, दूसरा टेक्नो कैमन 35G है, तीसरा वीवो Y200 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo N65 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।